अच्छा तो अनम तुम बहुत छुपे रुस्तम निकली हो, मतलब ऐसे कैसे कि तुमने चुपके चुपके एंगेजमेंट भी कर ली। अच्छा ये तो बताओ मिस्टर फराज मिले कहाँ तुम्हें? एक पार्टी पर। वाओ सो ड्रीमी। मतलब तुम्हें पार्टी पे मिले, तुम्हें देखा और पसंद भी कर लिया और झट से प्रपोजल भी भेज दिया। वाह भाई क्या बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और अब तुम्हें शादी भी होने वाली है। क्या व्हाट अ सरप्राइज। जल्दी वो की मॉम जो है ना वो जल्दी ना इकलौते बेटे हैं ना वो उनके इसीलिए। क्यों आंटी ने कहीं अब्रॉड जाना है क्या? अब्रॉड? हाँ अमेरिका। नाइस। अच्छा मतलब कि शादी के बाद तो फिर तुम भी अमेरिका चली जाओगी? हाँ खास मैं भी जाऊंगी। वेरी कूल। हमें शादी पे इनवाइट भी करोगी या नहीं? कार्ड प्रिंट हो जाए फिर तुम लोग को जरूर भेजूंगी, जरूर आना। श्योर। एंड व्हाट अबाउट द ब्राइडल ड्रेस? ब्राइडल ड्रेस मैं अभी देख रही हूँ। यू शुड डेफिनेटली ऑर्डर फ्रॉम आवर टीम। उनके डिजाइन ओह माय गॉड आई कांट टेल यू। आरफी हाँ मैं भी यही सोच रही थी। बस फिर मैं आज रात को ही ना कुछ कॉम्बिनेशंस तुम्हें भेजती हूँ, तुम उसमें से चूज कर लेना। श्योर। यार आई एम सो एक्साइटेड। या मी टू। वैसे राहत तुम बहुत रोकी निकली, ना तुमने अनम की मंगनी की कानो कान खबर होने दी और ना ही शादी की। बस कुछ पता ही नहीं लगा, सब कुछ इतनी अचानक होता चला जा रहा था। बस कर दो अब बातें मत बनाओ, पूरे मोहल्ले को खबर है सिवाय मेरे, जबकि मैं तुम्हारी खासो खास हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। निगत मैंने हमेशा आपको अपना ही समझा है, कभी गैर नहीं। इसलिए मुझसे ही सब कुछ छुपाया हुआ है। देखो तुम कितनी भी बेरुखी बरतो लेकिन मैं तुमसे बेरुखी नहीं बरत सकती। अरे शादी के लिए जितने पैसों की जरूरत हो तो मुझसे उधार ले। अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब शादी का घर है और तुम कह रही हो पैसों की जरूरत नहीं? बस बंदोबस्त हो गया था। कहाँ से हो गया? वो शाकर के एक दोस्त थे, उन्होंने एक कमेटी डाली थी और बस अल्लाह का शुक्र है सब हो गया। अच्छा बड़ी बात है।